तो सर इस फिल्म का नाम क्या है? AK-47। हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल #Guruji Samson में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि हम आ चुके हैं जमशेदपुर से। अनुमान लगाइए, नीचे तो देख लिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दशम फॉल आज हम आपको घुमाने जा रहे हैं। दशम फॉल का सुंदरम, जो झारखंड का बहुत ही मशहूर दशम फॉल, रांची जमशेदपुर मार्ग में बुंडू के पास में होता है। जी हाँ दोस्तों, इस दशम फॉल का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत और वर्षों से चला आ रहा है यहाँ की प्राकृतिक दृश्य, जो मेरे सामने में देख सकते हैं, पीछे में देख सकते हैं, जो यह एक सुंदर सा पहाड़ जो नज़र आ रहा है, पझरता हुआ झरना नज़र आ रहा है, खेत है, नीचे में पानी का दृश्य नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्राकृतिक के दृश्य झारखंड में भरे पड़े हैं। तो सबसे पहले आज दशम फॉल में एक मेन, विशेष करके एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। जी हाँ, उस अगर पॉसिबल होगा ना दोस्तों, अगर पॉसिबल होगा तो मैं उस शूटिंग का नज़ारा आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि बड़ी बजट की फिल्म है, तो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस पर भी वो हो सकता है कि हम सीन ना ले पाएँ, लेकिन कोशिश जारी रहेगी, कोशिश रहेगी कि दशम फॉल में फिल्म की शूटिंग किस प्रकार से हो रही है, कौन सी फिल्म है। तो आगे जाएंगे, मिलेंगे और दशम फॉल के बारे में चलिए जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम लोग आज कोई बड़ी गाड़ी में नहीं, हमेशा तो बड़ी गाड़ी में आते हैं, लेकिन आज हमारे पास में है एक्टिवा स्कूटी। करीब करीब 100 किलोमीटर हम लोग चलना है, यानी कि चल चुके हैं, अब पहुंचने ही वाले हैं बस। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, आगे मिलते हैं दोस्तों। तब तक प्राकृतिक रोड का नज़ारा लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, सीधे चले जाएगा नामकुम रांची, और इधर हम लोग लेफ्ट मुड़ रहे हैं, यानी कि दशम फॉल का रास्ता। काफी भीड़ भाड़ है, लगता है कुछ प्रोग्राम थाना के पास में यहाँ शूटिंग चल रही है। चलिए, हम लोग शूटिंग फर्स्ट ही में आ गए हैं। हाँ, यहाँ शूटिंग चल रहा है, आगे थोड़ा लगा देना। तो ये थे जयराम महतो, जो कि लाइन प्रोड्यूसर है इस प्रोजेक्ट के, और मैं आपको बताऊं कि बड़ी बेबाकी से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों का रखा है। आज यहाँ पे शूटिंग भी चल रही है, हमारे पीछे आपको लोकेशन दिखाई देगा, यहाँ पे शूटिंग चल रही है, यहाँ पे भारत के सांसद और उसके साथ ही साथ, अगर उनसे सांसद से बड़ी बात अगर उनसे कुछ जुड़ी हुई है तो ये है कि पूरे दुनिया में मशहूर, पूरे भारत के दिलों के जान है वो रवि किशन, जो कि भोजपुरी सिनेमा से आगे बढ़कर बॉलीवुड पर अपना कदम रखा और आज उन्होंने पूरे विश्व में नाम कमाया है, वो इस शूटिंग लोकेशन पर मौजूद है। सर एक क्वेश्चन है, तो सर इस फिल्म का नाम क्या है? AK-47। और इसकी फिल्म की शूटिंग हमने सुना है कि और कहीं भी चल रहा है? नहीं, ये अभी यही चल रहा है, लेकिन अलग अलग दिनों में अलग अलग लोकेशंस में जा करके हम लोग शूटिंग करते हैं। रोज अलग अलग हमारा शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग शूट करते हैं। बहुत अच्छा सर, और इस फिल्म में कौन कौन हीरो हैं और कौन कौन हीरोइन हैं, आप थोड़ा जानकारी देंगे? हमारे इस फिल्म में दो मुख्य कलाकार हैं, एक रवि किशन जी हैं और दूसरे हैं आपके शेखर सुमन जी, जो कॉमेडियन। हाँ, झारखंड का ही लोकेशन को क्यों चुना? देखिए, ये सब्जेक्ट, चूँकि फिल्म की अपनी अपनी सब्जेक्ट होती है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट में हमको लगा कि हम ये हमारे फिल्म के हिसाब से ये जगह उपयुक्त है, सही है,
जिस तरह से फिल्म का बैकग्राउंड है उसके हिसाब से झारखंड उचित लगा, और झारखंड शूटिंग फ्रेंडली है जिसके कारण भी जो है प्रोड्यूसर यहाँ आने के लिए उत्सुकता। शूटिंग के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई है, तो देख सकते हैं। इसके बाद में हम आपको दशम फॉल का नज़ारा दिखाएंगे। फ्रेंड्स, जिस गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं अभी, यही गाड़ी है जो कि फिल्म के कलाकारों को ले जाती है। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी लेके हम घुमा रहे हैं। शूटिंग का दृश्य तो दोस्तों हम लोग नहीं दिखा पाए, लेकिन एक छोटे से इंटरव्यू लाइटमैन डायरेक्टर का ले पाए हैं, तो इसका थोड़ा सा सीन आपको दिखा देंगे। या बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो के साथ में #MusicSamsung। आज रवि किशन के साथ काम कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? किस तरह से ये बिहेव करते हैं, कैसे? नहीं, इनका बिहेव देखिए, इनका अपना प्रोटोकॉल है, क्योंकि रवि किशन जी आज के डेट में माननीय सांसद भी है, ठीक है, और एक अभिनेता भी, तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत फ्रैंकली है और बहुत डाउन टू अर्थ कलाकार हैं। ऐसे कलाकार, इनके फैंस फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ भी जाते हैं देखते हैं कि, तो इनके ऊपर जो है एक थोड़ा सा होता है, लोगों में खुशी उमंग जाहिर होता है, तो देखने में अच्छा लगता है कि भाई हमारे जो एक्टर हैं फिल्म के, उनके इतने फैंस फॉलोअर हैं। तो फैंस, फिल्म की शूटिंग और दूसरा चीज है कि यह देखिए किस प्रकार से टॉयलेट होता है। तो यह है बस, और टॉयलेट बनाया गया है यहाँ। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि फिल्म के शूटिंग में पूरा प्रावधान किया जाता है। देखिए उस चीज को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बड़े बजट की फिल्म में ऐसी होता है। और ये है एक टॉयलेट, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये तो ये है टॉयलेट, सारा कुछ है इसमें, देख सकते हैं टोटल। मैं नहीं जा रहा हूँ, बस आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। तो बहुत ही लग्जरियस है, एसी चल रहा है पूरा एकदम फर्स्ट क्लास। और इधर चलिए शीशा में दिखा देते हैं। ये हालांकि मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, पानी वानी है कि नहीं यार? है। तो इस प्रकार से फिल्मों के कलाकारों के लिए टॉयलेट होते हैं, बाकी टोटल चीज देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे मिलते हैं। आने वाले दिन के लिए हमारे झारखंड में जो प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है, तो आपने बहुत सारा लोकेशन को सर्च किया होगा, यहाँ आने वाले युवा पीढ़ी के लिए आप लोग क्या योगदान देना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं आने वाले युवा पीढ़ी से यही कहूँगा कि उनको आगे आना चाहिए, ठीक है, खुद से आगे होना चाहिए। अगर बाहर से लोग आ करके काम कर रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, भोपाल से आ रहे हैं, तो हमारे नवयुवकों में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस सोच को बदलने की आवश्यकता है कि दूसरे अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शूटिंग का खाना राजमा, सेवई और भिंडी का सब्जी, और ये चिकन एंड राइस एंड सब कुछ साथ में। अब देखिए उधर उधर देखिए, शायद उनको जानते होंगे, और कच्चे वाले भाई साहब को, कच्चे वाले भाई साहब को आप लोग जानते होंगे। इधर है हमारे नवल जी, ये भी कच्चे में है, फ्री टाइम में है, तो अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए शूटिंग का खाना खाते हैं, फिल्म का शूटिंग का खाना खाते हैं। टेस्टी तो है, इस प्रकार से भोजन लगा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि सब लोग खा सकते हैं, बस शूटिंग के जो मेंबर्स हैं वही लोग के लिए बना हुआ है। हीरो हीरोइन ये वो जो भी है शूटिंग में, जो भाग ले रहे हैं, उन सबके लिए सेम खाना होता है। तो मिलते हैं खाने के बाद में, खाना तो टेस्टी है, दशम फॉल में मिलते हैं।
into my eyes and show me your adventures I haven't seen.